मुझे इवन ये पार्ट रिकॉर्ड करने में और स्क्रिप्टिंग करने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है. सो या सो आई गेस लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो टर्न ऑफ द लाइट, पुट ऑन द हेडफोन्स एंड यू वेलकम टू वॉल्यूम 2 ऑफ द कैनिबल. जेफरी ने जब स्टीवन की जान ली तब उसे रियलाइज़ हुआ उसने कुछ गलत कर दिया, बट स्टिल वो सेफ था क्योंकि किसी को पता नहीं था उसने एक मर्डर किया है. 6 वीक्स बाद उसके डैड की फियांसे घर आई एंड दैट्स हाउ लियोनेल को पता चला कि जेफरी घर पर अकेला था काफ़ी टाइम से. उन्होंने घर आने के बाद जेफरी को OSU ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलाया, लेकिन डामर की अल्कोहल एडिक्शन के कारण कोई फायदा नहीं हुआ. उसने अपना पूरा टाइम अल्कोहल में वेस्ट कर दिया. एक लौती चीज जिसमें वो अच्छा था वो थी राइफलरी. उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के कारण ही उसे 3 महीने में ड्रॉप आउट करना पड़ा. 1979 उसके डैड ने उसे यूनाइटेड स्टेट आर्मी ज्वाइन करवाई, लेकिन वहाँ पर भी वो कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहा था तो आर्मी ने भी उसे निकाल दिया. लियोनेल जेफरी की अल्कोहल एडिक्शन से परेशान हो चुका था और उसे बस एक ही रास्ता दिखा, जेफरी की ग्रैंडमा. जेफरी को बचपन से ही किसी के साथ अफेक्शन नहीं थी एक्सेप्ट उसकी ग्रैंड माँ. तो लियोनेल को लगा कि मे बी जेफरी की ग्रैंड माँ के इन्फ्लुएंस से सब ठीक हो जाएगा. तो लियोनेल ने जेफरी को उसकी ग्रैंड माँ के घर भेज दिया वेस्ट एलिस विस्कॉन्सिन में, लेकिन उसकी ग्रैंड माँ का इन्फ्लुएंस ने भी वर्क नहीं किया. इस बार वो स्टिल कंटिन्यूसली दारू पीता रहा, इवन अब उसका बिहेवियर और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होने लगा था. वो मिलवॉकी के गे बार्स और गे बाथ हाउस में जाने लगा था. जेफरी की ग्रैंड माँ काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस थी और उन्हें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था. सिर्फ इतना ही नहीं, जेफरी ने एक बार एक क्लोथिंग स्टोर से मैनिक्विन चुरा लिया था सो कि वो अपने आप को सेक्सुअल प्लीज कर पाए. उसने उसे अपने कमरे में छुपा कर रखा था, बट समहाउ उसकी ग्रैंडमा को वो मैनिक्विन मिल जाता है. उसकी ग्रैंडमा मैनिक्विन को फेंक देती है. अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था. वो रोज रोज बात आउट में जाने लगा नए नए लड़कों के साथ, और जब भी जाता वो हमेशा उन लड़कों को ड्रग कर देता सो कि वो उनकी बॉडी को किसी भी तरीके से यूज कर पाए. बात हाउस के मेंबर्स जिनके साथ जेफरी ये करता था उन्होंने उसकी कंप्लेन भी की. कंप्लेन करने के बाद बात हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन ने जेफरी की मेंबरशिप कैंसिल कर दी, पर जेफरी बीइंग इडियोटिक सेक्स एडिक्ट उसने होटल रूम्स यूज करना शुरू कर दिया. अब वो ये चीज होटल में करने लगा. चैप्टर 4 17 लाइव्स. November 20, 1987 ही मेट 25-year-old स्टीवन टुओमी. वो उसे अपने साथ होटल एम्बेसिडर ले गया. उन्होंने वहाँ एक रूम रेंट किया रात स्पेंड करने के लिए, और जैसे वो हमेशा करता उसने स्टीवन की ड्रिंक पे भी ड्रग मिलाया और रात स्पेंड की. और जब सुबह जेफरी की आँख खुली द ओनली थिंग ही नोज कि जब वो उठा उसके बाजू में स्टीवन की बॉडी थी, एकदम बेजान, चेस्ट क्रस्ट इन और पूरी बॉडी ब्लैक एंड ब्लू घाव से भरी हुई, और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था. उससे कोई आइडिया नहीं था रात को क्या हुआ, एक्सेप्ट वो बस इतना जानता था कि जेफरी की खुद के फोरआर्म्स और फीस्ट में भी ब्लड लगा हुआ था और थोड़े बहुत घाव थे. उसे और कुछ नहीं याद था, जैसे उसने अपने आप को भी ट्रक कर दिया था. पर जेफरी का कोई इंटेंशन नहीं था स्टीवन को मारने का. जेफरी को अब ये मर्डर को भी छुपाना था, तो उसने एक प्लान बनाना शुरू किया. वो एक बड़ी सी सूटकेस खरीद कर लेकर आया, स्टीवन की डेड बॉडी को अपने ग्रैंडमा के घर लेकर गया उस सूटकेस में बंद कर कर. एक हफ्ते बाद स्टीवन के हेड आर्म लेग्स के उसने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए. उसके बाद उसने स्टीवन की बॉडी से उसकी बोन्स निकाली सो कि वो स्टीवन के बोन्स के पीसेस कर पाए और उन्हें इजीली हैंडल कर पाए. उसने स्टीवन की फ्लैश को कचरे में फेंक दिया और स्टीवन की बोन्स को एक बड़े हैमर से शैटर कर दिया, एक्सेप्ट स्टीवन का हेड. उसने स्टीवन के हेड को एक डिटर्जेंट और ब्लीच के मिक्सचर में बॉइल किया
जिससे हेड से सारा फ्लैश निकल जाए, और उसने अपने पास रखा स्टीवन का स्कल। जेफरी ने उस स्कल को कुछ टाइम के लिए मास्टरबेट करने के लिए इस्तेमाल किया, बट बॉइल करने के कारण वो स्कल थोड़ा सा वीक था, तो उसे स्कल को भी शेटर करना पड़ा हैमर से इवेंचुअली। अब ये लास्ट टाइम था जब उसे अफसोस था किसी के मर्डर का। स्टीवन के मर्डर के बाद अब उसे नहीं फर्क पड़ रहा था, अब वो रोज विक्टिम ढूंढने लगा। वो यूजुअली उन्हें बार में मिलता था, उन्हें वहां से अपने ग्रैंडमा के घर लेकर जाता, उन्हें ट्रायजोलिन या MSFM से ड्रग करता, और उनका रेप करता, और उसके बाद स्ट्रैंगल करके उन्हें मार देता। स्टीवन की डेथ के 2 महीने बाद उसे एक 14-year-old लड़का मिला, जेम्स डेक्सटर टॉर, मार्च 22 year old बायसेक्सुअल गाय, रिचर्ड गरेरो, अप्रैल 23, रोनाल्ड फ्लावर जूनियर। इन सबको जेफरी ने सेम पैटर्न में मार दिया, एक्सेप्ट कुछ के साथ मरने के बाद जेफरी ने ओरल सेक्स किया। सितंबर 1988, डामर की ग्रैंड माँ ने उसे घर से निकलने के लिए कहा, उसकी दारू, सिगरेट्स और बेसमेंट की बैड ओडर से परेशान होकर, जहाँ जेफरी अपने विक्टिम्स की बॉडी को डिसमेंबर करता था। जेफरी 8/24 शिफ्ट हो गया, एंड विद इन 2 डेज उसे 13-year-old बॉय को टच करने के कारण और ड्रग करने के कारण जेल हो गई। मई 1988, जेफरी जेल से निकला और फिर से अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहने चला गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो नहीं समझा और स्टिल अपने 5th विक्टिम को ढूंढने लगा, 24-year-old एंथनी सियर। हालांकि डामर के हिसाब से वो इस बार कुछ करना नहीं चाहता था, पर स्टिल एंथनी की बॉडी के साथ में भी जेफरी ने सेम प्रोसेस किया, एक्सेप्ट एंथनी जेफरी को अट्रैक्टिव लगा, तो जेफरी ने उसके हेड के साथ में जेनिटेलिया भी प्रिजर्व करके रख दिया एक जार में। नाउ डामर्स सस्पिशन वाज बियॉन्ड फक, उसके बैकग्राउंड खराब होता जा रहा था, वो ऑलरेडी ड्रंक होके प्रॉब्लम क्रिएट करने के कारण 1 year के प्रोविशन में रह चुका था और कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर चुका था। May 23, 1989, डामर को 5 year का प्रोविशन और 1 year हाउस ऑफ करेक्शन सेंटेंस किया गया, उसे एज ए सेक्स ऑफेंडर रजिस्टर करवाया गया। May 14, 1990, जेफरी अपनी ग्रैंड माँ के घर से 924 North 25th Street, apartment 213 शिफ्ट हो गया, एंथनी सियर के प्रिजर्व पार्ट्स को लेकर। उसने उसी टाइम एक नया नया पोलरॉइड कैमरा लिया, विद इन 1 week उसने ऑलरेडी अपना 6th विक्टिम ढूंढ लिया, 32-year-old प्रोस्टिट्यूट रेमंड स्मिथ। बट ही डिड समथिंग डिफरेंट दिस टाइम, उसने उसे ड्रग करने तक सेम पैटर्न रखा, बट ड्रग करने के बाद रेमंड को स्ट्रैंगल करके मार दिया, और उसके बाद रेमंड की बॉडी के पार्ट्स जैसे आर्म, लेग्स, पेल्विस को कट किया और रेमंड की बॉडी की कुछ फोटोज क्लिक की, और उसके बाद उसने उन बॉडी के पार्ट्स को सेम मिक्सचर में बॉइल कर दिया। अर्नेस्ट मिलर, जिसका हार्ट डामर ने संभाल कर रखा, जेफरी ने उसे अपने बाथटब में मारा और उसकी बॉडी के हिस्से किए और कुछ पोलरॉइड फोटोग्राफ क्लिक किए करते हुए। इवन जब वो ये प्रोसेस कर रहा था, वो उसके बीच में भी मिलर के कटे हुए सर के साथ में किस वगैरह कर रहा था। मिलर की बॉडी को डिसमेंबर करने के बाद उसने उसका हार्ट, लिवर, बाइसेप और पैर और कुछ फ्लैश को एक प्लास्टिक बैग में भर कर रख दिया, बाकी के बॉडी के पार्ट्स को उसने बॉइल कर दिया। September 23, डेविड थॉमस। February 1991, वो कर्टिस स्टार्टर से मिला, वो उसे न्यूड फोटोशूट का ऑफर देकर अपने घर लेकर गया, उसे ड्रग किया, उसके हाथ में हैंडकफ्स लगाई और यू नो उसके आगे वो क्या करता है। 2 महीने के अंदर वो एरल लिंसी से मिलता है, हर बार की तरह सेम पैटर्न, बस इस बार डामर ने अपने विक्टिम के हेड के अंदर एक होल किया ड्रिल से, और बेस्टर का यूज करके उसने अपने विक्टिम के हेड के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इंजेक्ट किया, जिससे उसका विक्टिम एक जीता जागता ज़ॉम्बी बन जाए और हमेशा के लिए उसके साथ रहे। डामर के इस एक्सपेरिमेंट के कुछ देर बाद विक्टिम को होश भी आता है, एसिड सर में इंजेक्ट करने के बाद भी वो जिंदा था, वो डामर से इवन बात भी करता है, और डामर रुकने की जगह पे उसे फिर से ड्रग करता है और उसे स्ट्रैंगल करके मार देता है। नाउ आई डोंट इवन रिमेम्बर कि ये जेफरी का कौन सा मर्डर था। इवन अब जेफरी के नेबर्स कंप्लेन करने लगे थे कि जेफरी के अपार्टमेंट से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। 24 May 1991, 31-year-old टोनी यूक्स। 26 May 1991, 14-year-old कॉन्ट्रैक्ट सिंता सोमफोन। जेफरी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं जानता था, बट जेफरी ने कॉन्ट्रैक्ट के बड़े भाई को 1988 में मोलेस्ट किया था। कॉन्ट्रैक्ट की बात जानते हुए भी जेफरी की डील एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। सेम पैटर्न एक और बार, कॉन्ट्रैक्ट की पोलरॉइड फोटोग्राफ क्लिक करने के बाद जेफरी ने उसके साथ सेक्स, और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को अपने बेडरूम में लेकर गया, जहाँ पर टोनी की डेड बॉडी थी। जेफरी ने कॉन्ट्रैक्ट के स्कल पे एक होल किया ड्रिल से और उसके स्कल में एसिड इंजेक्ट किया।
और वो BS लेने के लिए बाहर चला गया। जब वो वापस आया तब उसने देखा कॉन्ट्रैक अपार्टमेंट की गेट पर 3 लेडीज के साथ में नेकेड बैठा हुआ था। वो अनकॉन्शियस था बट स्टिल बात कर पा रहा था। जेफरी आकर उसे फिर से अपने अपार्टमेंट में लेकर जाने लगा बट उन 3 लेडीज ने ऑलरेडी 911 को कॉल कर दिया था और कुछ देर में वहाँ कुछ ऑफिसर्स आते हैं। जेफरी कॉन्ट्रैक को अपना 19-year-old ड्रंक बॉयफ्रेंड बताता। वो तीनों लेडीज इन्वेस्टिगेट करने के लिए ऑफिसर्स को फोर्स करती है बट इट वॉज 90s टाइम एंड वो लेडीज ब्लैक थी और मे बी पुलिस ऑफिसर्स रेसिस्ट। वो दोनों ऑफिसर उनकी बात नहीं सुनते और कोई एक्शन नहीं लेते। इवन वो दोनों ऑफिसर्स कॉन्ट्रैक्ट और जेफरी को घर तक छोड़ने भी जाते हैं। ऑफिसर्स के चले जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट को भी मार देता। June 30, 1991, 20-year-old मैट ट्यूनर। July 5, 23-year-old जेरेमी वेनबर्ग। July 15, 24-year-old ओलिवर लेसी। July 19, 25-year-old जोसेफ ब्रैडहॉफ्ट। और July 20, जेफरी ट्रेसी एडवर्ड से मिला। एंड दैट्स हाउ सब खत्म हुआ। अरेस्ट होने के बाद जब जेफरी से इंटरोगेशन की गई तब जेफरी ने खुद ये सब डिटेल में बताया। जेफरी की ट्रायल January 30, 1992 से शुरू हुए और May 1, 1992 तक चलते रहे और जेफरी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई। इन ट्रायल्स के ड्यूरिंग विक्टिम्स की फैमिली पूरी तरीके से टूट गई थी। जो डामर ने उन विक्टिम्स के साथ में किया था वो सब सुन के वो सब बस चाहते थे कि जेफरी के साथ कुछ ऐसा हो जो जेफरी को वो पेन रियलाइज करा सके जो उसने उन्हें दिया था। उनके मन में उसके लिए बस नफरत ही थी। चाहे कुछ भी हो जाए ऐसा कोई इंसान नहीं था जो वो विक्टिम्स और वो विक्टिम्स की फैमिली का पेन को फील कर सकता था उस वक्त में। ओल्डेस्ट सिस्टर ऑफ एरल लिंडसे, व्हाटएवर योर नेम इज, सैटन, आई एम मैड। दिस इज हाउ यू एक्ट when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I kill you. What's your name, sir? Jeffrey never deserved a life. जेफरी को कोलंबिया करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में रखा गया था और 28 नवंबर 1994 डामर के एक इनमेट क्रिस्टोफर स्कारवर ने एक 20 इंच के मेटल रॉड से जेफरी को मार दिया। स्कारवर ने जेफरी के मुंह पर इतनी बार उससे वार किया कि जेफरी का मुंह पूरी तरीके से फट गया और जेफरी ऑन द स्पॉट मर गया। So did he deserve it? 100% he did. उसने जो भी किया वो पूरी तरीके से गलत था। बट अगर उसके पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप बेटर होते तो शायद से कभी नहीं होता। अगर उसकी मॉम अपनी ड्रग्स एडिक्शंस को साइड में रखकर उसको भी अपने साथ लेकर जाती ना कि उसे घर अकेला छोड़कर, तो ये कभी नहीं होता। या फिर शायद जेफरी के डैड अपने काम के साथ में जेफरी का भी ध्यान रखते तो शायद ये कभी नहीं होता। या फिर वो दो पुलिस ऑफिसर्स अपना काम ढंग से करते तो शायद ये कभी नहीं होता। मैं जेफरी की गलती को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहा बट उसे एक बेटर पेरेंटिंग की ज़रूरत थी मेरी। और वो कहता है ना, एवरी चाइल्ड डिजर्व अ पेरेंट बट डोंट एवरी पेरेंट डिजर्व अ चाइल्ड। Emergency operator 71. Okay, hi, I'm on 25th and State, and this is young man, he is butt naked, he has been beaten up, he is very bruised up, he can't stand, he's study fall out, he is butt naked, he has no clothes on, he was really hurt. Yeah, that's all. We'll meet you in next episode. Till then, take care, good night, and bye.